और हमें आज इस बदली हुई राजनीति के सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है। साथियों, देश ने पिछले 8 वर्षों में गरीब को सशक्त करने के साथ ही गरीब तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, टनल्स हो, सोलर पावर प्लांट हो, स्टेडियम हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, जो भी हो सबसे उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, ये आकांक्षा लेकर आज भारत चल रहा है। और साथियों, मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोडमैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है, समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। भारत का भविष्य फॉल्ट लाइंस को बढ़ा करके नहीं, फॉल्ट लाइंस को गिराकर ही उज्जवल बनेगा। कभी भाषा की दीवार, कभी रहन सहन, कभी क्षेत्र, कभी खान पान, कभी ये वर्ग, कभी वो वर्ग,
लड़ने के लिए तो सैकड़ों वजह हो सकती है, लेकिन जुड़ने के लिए एक वजह ही काफी है, ये मातृभूमि, ये धरती, ये देश, ये हमारा भारत। जीने के लिए और मरने के लिए इससे बड़ी वजह कोई और नहीं हो सकती। इसलिए हमें देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ना है।